हम हमेशा आज हमें वीडियो स्पॉइल करते हैं। इतनी प्यारी लग रही है। क्या बोल रही थी मैं, कहाँ पे थी? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये वीडियो उसी दिन बन रही है जैसे मैंने कपड़ों वाली वीडियो बनाई थी, सो यू हैव टू वेयर दिस फेस अगेन। हेयर आई एम विद माय बैग्स एंड क्लचेस कलेक्शन। मैंने सोचा कि कपड़ों की वीडियो बना के मैं थक गई हूँ, तो मैं क्या ऐसा बनाऊँ जिसमें ज़्यादा ना थकूँ। तो बैग्स वाली कलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब है तो ज़्यादा मेरे हिसाब से अच्छी कलेक्शन है, लेकिन जूतों के हिसाब से और दूसरी चीज़ों के मुकाबले में थोड़ी सी कम मेहनत वाली है। तो मैंने बैग्स निकाल के रख ली हैं, क्लचेस बनी हैं, टेबल पर सेट किए हैं जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, और बैग्स वहाँ सोफे पर पड़े हैं, मैं दिखा दूँगी आपको। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग विद माई फर्स्ट एवर क्लच। फर्स्ट एवर मतलब मेरी शादी से रिलेटेड या इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड। दिस इज़ द क्लच। ये आप लोगों ने देखा होगा एंगेजमेंट वाली पिक्चर्स में, बिकॉज दिस इज माई एंगेजमेंट क्लच। ये बटरफ्लाई शेप में है एंड इसके ऊपर से इस तरह है, इसको ओपन करते हैं ऐसे, ये ओपन होता है और इसमें ये चेन भी है, चेन कह रही हूँ सॉरी, चेन होगी शायद, मैंने कहीं इधर उधर कर दी होगी। इसमें साथ इसके ये हैंडल भी है, तो इसको इस तरह भी कैरी किया जा सकता है। अच्छा, ये वाला जो क्लच है ये एक रेंडम शॉप से मैंने लिया था, मेरे ससुराल से मेरे कपड़े आए थे एंड दे सेंट मी मनी कि आप अपना बैग क्लच वगैरह ज्वेलरी आप अपने हिसाब से खुद ले लो। तो उसमें मैंने फिर मैं ज्वेलरी शॉपिंग के लिए तारिक सेंटर पे गई थी, वहाँ से मैं बहुत थक चुकी थी और एंगेजमेंट में कुछ थोड़ा ही टाइम रहता था, फिर मैंने कहा कि मैं क्या और इंक्वायरी करूँ एक क्लच के लिए। तो फिर मैंने फिर तारिक सेंटर से ही ये क्लच ले लिया था, मुझे अच्छा लगा था और ड्रेस से मैच भी हो रहा था, तो मैंने कहा था ठीक है इट्स अ गुड क्लच। और ये था 1500 रुपीज़ का शायद। नेक्स्ट वी हैव दिस क्लच जिस पर अभी तक टैग भी लगा हुआ है। ये क्लच मेरा सेकंड क्लच था और ये क्लच मुझे आया था मेरे ससुराल से ईदी में, तो मतलब मेरी एंगेजमेंट के बाद जो मेरी फर्स्ट ईद थी लास्ट ईयर छोटी ईद, उस पर ये वाला क्लच आया था। और ये मैंने फिर ईद पे ड्रेस तो मैंने शायद पहन लिया था, हाँ ड्रेस मैंने पहना था, लेकिन क्लच मैंने यूज़ नहीं किया था, बिकॉज ऑब्वियसली मैं कोई ऐसी जगह पर नहीं जा रही थी कि ईद मेरी ऐसी होती है, तो मैं नहीं ले सकी थी इसको, तो मैंने इसको फिर संभाल के रख लिया था कि मैं इसको बाद में अपनी शादी के बाद इसको यूज़ कर लूँगी कभी। सो दिस इज़ द सेकेंड क्लच। ये वाला क्लच है फर्स्ट स्टेप से और इसकी प्राइस है 3200। ये फर्स्ट स्टेप का है, जो फर्स्ट स्टेप ब्रांड है, और ये ऐसे ओपन होता है इस तरह है, और इसके अंदर भी चेन है और इसका हैंडल तो इसके बाहर लगा हुआ ही है। सो दैट्स द सेकेंड क्लच। नेक्स्ट इज दिस क्लच जो आपने मेरी शादी पे देखा होगा, बिकॉज दिस इज द क्लच दैट आई टुक ऑन माय बारात। मैंने उसके वेडिंग ड्रेस के साथ कोई कपड़े वाला वो नहीं बनवाया था, बिकॉज मुझे था कि थोड़ा मतलब वो ड्रेस ऑलरेडी इतना रेड 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 है, अगर मैं उसी के साथ का बनवाऊंगा तो अगर मैं उसी के साथ का बनवाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा ड्रेस के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो मैंने फिर ये डल गोल्ड कलर का एक क्लच ले लिया था, ये इस तरह से ऊपर है और ये ऐसे है एंड ओपन ही उसी तरह होता है, अंदर चेन वगैरह है, अंदर मैंने पिंस भी रखी हुई हैं। ओह, मेरे शादी वाले दिन के टिश्यूज़ अभी तक पड़े हैं इसके अंदर। मेरी आदत है जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, कोई भी बैग लेती हूँ उसके अंदर मैं दो तीन टिश्यूज़ भर लेती हूँ और वापस आती हूँ तो मैं उनको नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि मैं अगली बार जब उठाऊँ तो उसके अंदर ऑलरेडी टिश्यूज़ हों, एक साफ पड़ा है एक गंदा पड़ा है। और मेरी ये भी आदत है कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ मैं हमेशा कुछ पिंस रख लेती होती हूँ, तो ये पिंस भी अंदर पड़ी हैं और उनको मैं वापस आके नहीं निकालती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम पड़ी रहें। सो दिस इज़ माई बारात वाला शादी के दिन वाला क्लच एंड दिस इज़ फ्रॉम स्टाइलो। इसकी प्राइस क्या थी? इसकी प्राइस 3000 से 4000 के बीच थी और शायद ऑफ में ये मुझे मिला था 3 to 4 के बीच में, वैसे इसकी प्राइस मुझे नहीं याद, लेकिन मुझे ये इतना याद आ रहा है कि मैंने 3 to 4 के बीच में इसको लिया था। देन वी हैव दिस ब्लैक क्लच जो कि मेरा फेवरेट है, और ये वाला क्लच मैंने अभी लास्ट कुछ एक दो दिन पहले मैं एक शादी पे गई थी वहाँ पे यूज़ किया था, बिकॉज शादी के बाद मैं बैग्स वगैरह लेके तो बाहर जाती रहती हूँ लेकिन क्लचेस कहीं यूज़ ही नहीं होते हैं, तो ये क्लच मैंने फिर उस दिन ज़बरदस्ती लिया था। तो ये है, ये बहुत प्यारा सा है, ब्लैक कलर का है, उसमें नग जो लगे हुए हैं ये मल्टी कलर के लगे हुए हैं, ओपन ये उसी तरह से होता है, सेम उस पर भी ये वाली चीज़ है और अंदर चेन है, तो अगर इसको इस तरह से कैरी करना हो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे मोस्टली मैं नहीं करती हूँ वैसे। ये वाला क्लच भी स्टाइलो से है। अच्छा, ये वाला क्लच जो है ये बहन ने ही लिया था, वो ऐसे था कि वो ये कपड़े वगैरह तो उन्होंने बनाए ही थे मेरी बहन और ब्रदर इन लॉ ने,
लेकिन उसके अलावा मेरे कुछ बैग्स, मेरे कुछ जूते वगैरह भी वो जाते थे जब शॉपिंग पे। उनका ये है कि हम लोगों को कराची में रहते हुए हम लोगों को बहुत ज़्यादा दूर प्लान करके जाना पड़ता था शॉपिंग के लिए। इवन लकी वन जाना होता है तो 20-25 मिनट रास्ते के चाहिए होते हैं। तो ये लोग, ये मेरी बहन जो है भावलपुर में रहती है, तो अक्सर बाजार जाते रहते हैं। तो जब जाती थी, उसे कुछ अच्छा लगता था मेरे लिए, तो वो ले लेती थी मुझे। कभी वीडियो कॉल पे पूछ लेती थी, कभी पिक्चर से पूछ लेती थी, और कभी नहीं मैं रिस्पॉन्ड करती थी तो वो अपनी मर्जी से ले लेती थी। तो ये क्लच उन्होंने ही लिया था, तो इसलिए मुझे इसकी प्राइस नहीं पता है। आई लास्ट हर एंड लगा दूंगी यहाँ पे, होश में नहीं हूँ मैं आधे। नेक्स्ट वी हैव दिस क्लच। इसका ये वाला स्टाइल मुझे अच्छा लगा था, और ये बैक से प्लेन है, आगे से ऐसा है, ये ओपन होता है ऐसे, और अंदर वही सेम चीज़ है इसकी, वो हैंडल एंड चेन वगैरह, तो वो ये बंद ऐसे होता है। अच्छा, ये वाला क्लच मैंने लिया था बॉर्जन से। मैं वहाँ से अपने कोई जूते और बैग्स वगैरह ले रही थी, तो वहाँ मुझे ये क्लच नज़र आया। आई थॉट कि मैं अपनी शादी के लिए ले लेती हूँ, जो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ था अपनी शादी के लिए ये वाला। मुझे था कि यार ये जो है ना, ये थोड़ा डल गोल्ड है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा इस पर वो है, मतलब थोड़ा ज़्यादा फैंसी लग रहा है, और ये मुझे उसके कंपैरेटिवली थोड़ा कम लगा था। और मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा कम फैंसी लूँ, क्योंकि ड्रेस बहुत हैवी है। तो मैंने ना ये मामा से कहा कि चलें ये ले लेती हूँ, उसको मैं रख दूँगी, ये वाला मैं तब यूज़ कर लूँगी। और मैंने क्या किया, ये वाला अपने सारे सामान के साथ पैक करके रहीम खान भेज दिया अपनी ससुराल में, तो वो रह गया। और फिर शादी में मैंने वो लिया, अदरवाइज शादी पर शायद मैं ये लेती। खैर, ये भी ऐसे ही पड़ा है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। ओके, फिर मेरे पास है ये वाला क्लच, जो कि बहुत सिंपल सा है, वॉलेट टाइप इसकी लुक है, और ये ओपन होता है ऐसे, इस तरह से, और अंदर से ये ऐसे है, जिसके अंदर मेरी मामा की बैंगल्स पड़ी हुई हैं। एंड इसका सीन ये है कि मामा गई थी इम्तियाज़, उनके पास ना अपने वलीमे वाले, मामा ने जो मेरे वलीमे पर ड्रेस पहनना था। अब हमेशा आगे में वीडियो स्पॉइल करते हैं, अब हाय करके जाएं। इतनी प्यारी लग रही है। बहुत पास है, तो बहुत पास से दिखाना पड़ेगा अपनी शक्ल को आपको। हाय करें, जाएं। क्या बोल रही थी मैं, कहाँ पे थी? हाँ, मम्मा को चाहिए था अपने वलीमे वाले ड्रेस के साथ एक क्लच, और वजह जब ये लेके आई ना, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। वो गई थी इम्तियाज रैंडम, उनको ये पसंद आया, तो उन्होंने सोचा कि मैं वलीमे वाले ड्रेस के साथ ये ले लूँगी। और जब वो लेके आई, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने मम्मा से बोला मम्मा ये मुझे चाहिए, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, वलीमे पे आऊँगी, यूज़ करूँगी, तुम्हें दे दूँगी। तो उनकी वो वलीमे वाली बैंगल्स उसके अंदर ही पड़ी रह गई, और मुझे दे के चली गई थी ऐसी। लेकिन मैं फिर सोच रही हूँ कि मैंने क्यों लिया उनसे, क्योंकि मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया, एंड क्लचेस बिल्कुल यूज़ नहीं करी मैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द क्लचेस। नेक्स्ट इज दिस वन। ये बीन शेप में क्लच है, और ये पूरा ऐसे आगे पीछे से, और ये ओपन होता है इस तरह, सेम वही चीज़। और ये स्टाइलो से लिया था, जिसकी प्राइस मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगी, बट ये वाला क्लच भी अभी तक ऐसे ही पड़ा है, आई हैवंट यूज्ड इट। लास्ट इज दिस वन, क्यूटेस्ट, वॉलेट भी है, क्लच भी है, पता नहीं क्या है। एंड जब मैंने स्टाइलिश से वो सिल्वर वाला लिया था, जो मैंने लास्ट अभी शो किया है, तब मैंने वो ले लिया था, बिल्कुल सामने मुझे ये पड़ा नजर आया, मैंने कहा मम्मा मुझे ये भी चाहिए। मम्मा से कहती हैं तुम क्या करोगे इतना छोटा सा, मैंने कहा बस मुझे चाहिए, मुझे दिला दें, तो उन्होंने मुझे दिला दिया। एंड इट ओपन्स लाइक दिस, पहले मैं खुद सोच लूँ। मामा आ गए, बाबा हैं या गए? घर पे ही हैं आप? ओके, उन्हें बता दीजिएगा अगर पूछें तो। ओके, ओपन हो गया है, ये मून एंड स्टार बने हुए हैं, और ये ऐसे ओपन हुआ है, और इसके अंदर है ये पर्ल वाला स्ट्रैप, लेट मी शो यू, चेन भी है साथ में, अगर मुझे चेन की तरह लेना हो, अदरवाइज बहुत टाइट है, अदरवाइज ये ऐसे है, लेट मी शो यू, बिकॉज आई लव दिस क्लच, यूज़ अभी तक नहीं किया मैंने, बस शौक है रखने का चीज़ें। ये ऐसे, आई कैन यूज़ दिस लाइक दिस, यार आई कैन यूज़ दिस, मेरी आदत है कि मैं यूँ करके बैग्स ले लेती होती हूँ, आई यूज़ इट सून। ये भी स्टाइलो से लिया था, इसकी प्राइस लिखी हुई है, इस पर टैग लगा है, क्योंकि इसकी प्राइस थी 2500। दैट वॉज एट क्लचेस, ख़त्म हो गए। मेरे पास कितने क्लचेस हैं? 8 क्लचेस हैं, जिसमें से एक मैंने इंगेजमेंट पे यूज़ किया था, एक मैंने शादी पे यूज़ किया था अपनी, और एक मैंने ज़बरदस्ती अभी 2-3 दिन पहले यूज़ किया है, बाकी मैंने यूज़ ही नहीं किया है अभी तक। तो इन माय ओपिनियन, अगर आप अपनी शादी की शॉपिंग कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि क्लचेस कम से कम लें, कोई एक गोल्ड में ले लें, एक ब्लैक ले लें, एक सिल्वर ले लें ज़्यादा से ज़्यादा,
क्लचेस यूज नहीं होते हैं बिकॉज आप कब यूज करते हो, ज्यादा से ज्यादा कभी किसी अपनी शादी पर यूज हो जाएगा तो आप, बल्कि ना ही लो क्लचेस, आप अपनी शादी के लिए बारात वलीमे वगैरह के लिए अगर चाहिए तो उसके लिए ले लो, बस ड्यूरिंग द इवेंट यूज होगा और वही बाद में यूज हो जाएगा। क्लचेस पे पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए, बिला वजह के महंगे होते हैं, मतलब कुछ ये वाला वाइट वाला तो 2500 का है, अदरवाइज अगर आप लोकल शॉप से लोगे तो स्टिल आपको 1500-2000 का शायद मिल जाए, अब अभी का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कम से कम भी आपको क्लचेस 3000 की रेंज से स्टार्ट मिलते हैं, लाइक 3000 या पता नहीं ऑफ में शायद कम मिल जाते हो, ये 3000 भी मैं कम ही बता रही हूँ, वो भी अगर आप ढूंढ ढूंढ के ऑफ से लो तब। तो इनका फ़ायदा नहीं है, ये यूज़ नहीं होते हैं, रादर आप को सजेस्ट करूंगी कि आप बैग्स पे स्पेंड कर लें, बैग्स आप स्टिल यूज कर लेते हैं, इफ़ यू आर समवन लाइक मी जिसको बैग लेना पसंद है बाहर जाते हुए, क्योंकि मेरे पास दो फोन्स होते हैं तो मुझे रखने होते हैं, वो कहीं ना कहीं हाथ में तो नहीं पकड़े जाते, तो मैं बैग जरूर लेती हूँ बाहर जाते हुए, स्मॉल बैग्स आई लव, तो आप बैग्स में इन्वेस्ट कर लें इंस्टेड ऑफ क्लचेस। बट स्टिल अगर आपको क्लचेस चाहिए तो आई वुड सजेस्ट लोकली कहीं से लेने के बजाय ब्रांड से ही लें, एक तो ले लें क्योंकि अच्छे वाले ले लें एक तो, और वो फिर ताकि बड़े बड़े खराब ना हो और शादी वगैरह पे आप यूज कर सकें। क्लचेस हो गए, लेट्स मूव टुवर्ड्स बैग्स। बैग्स में सबसे पहले आई वांट टू शो दिस वन, ये इसलिए क्योंकि ये भी थोड़ा फैंसी उसमें आता है, तो ये क्लचेस के फौरन बाद आई वांटेड टू शो कि आप इसको इवेंट्स में कैरी कर सकते हैं। आई हैव कैरीड इट इन अ वलीमा इवेंट जो हम कराची गए थे शादी में उसमें, तो ये मुझे बहुत पसंद है, ये बैग वन ऑफ माई फेवरेट्स है, ये बहुत प्यारा लगता है और अंदर इसकी स्पेस भी अच्छी है, इसमें कुछ आप शादी के इवेंट में रखना चाहो तो रख सकते हो ईजिली, तो इतनी स्पेस है इसमें। और ये वाला बैग है स्टाइलो का, ये भी माय सिस्टर गॉट इट। नेक्स्ट इज दिस बैग, ये एक स्मॉल वेरी स्मॉल एंड टाइनी सा बैग, ये इसके हैंडल्स मुझे बहुत पसंद है, इस तरह के हैं, मतलब आई लव इट। और ये वाला बैग जो है ये बॉर्जन का है, इसकी जिप पे भी मेंशनड है, एंड आई लव व्हेन जिप्स वगैरह पे उस ब्रांड का नाम लिखा होता है, आई डोंट नो व्हाई इट अट्रैक्ट्स मी बट इट डज। और इसमें भी इतनी स्पेस है कि आपके फ़ोन्स वगैरह और कुछ हल्की फुल्की चीज़ें कैरी कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या रखना होता है, मुझे बाहर जाते हुए चाहिए होती हैं मेरे फ़ोन्स दोनों रखने होते हैं, उसके अलावा मुझे लिपस्टिक रखनी होती है जो मैंने लगाई होती है, समटाइम्स मैं एक दो मिक्स करके लगाती हूँ तो वो लिपस्टिक्स होनी चाहिए, टिश्यूज़ होने चाहिए, कुछ पिन्स होनी चाहिए, और बस आई डोंट कैरी मच। ये बैग है और इस बैग के साथ ये एक पाउच भी था, इस बैग के अंदर ही था, तो ये लाइक टू वाला जो होता है इसे क्या कहते हैं, टू इन वन या व्हाटएवर, तो इस वॉलेट में भी काफ़ी स्पेस है और इसके अंदर स्ट्रैप भी है, मतलब इस बैग को कैरी करने के लिए, शोल्डर पे कैरी करने के लिए, तो दिस इज़ इट। उसी मरून वाले बैग के साथ व्हेन आई गॉट दैट बैग, तो मैंने वहीं बॉर्जन से ये वाला बैग भी लिया था, ये बहुत ही चीप सा था, इसका सीन ये था कि इसके साथ एक बड़ा बैग भी था, मतलब इसी सेम स्टाइल में थोड़ा बड़ा था, टोट बैग होता है ना जिस तरह, उस तरह से, और उसी के साथ ये भी था, मतलब ये सेपरेट थे, ये नहीं था कि उसमें पैक में नहीं था, तो मुझे था बड़ा बैग तो मुझे खैर नहीं चाहिए था, तो मैंने ये वाला बैग ले लिया था कि मुझे रैंडम कहीं अक्सर बाजार वगैरह या कहीं भी जाना हो, जो कि मैं गई नहीं हूँ अभी तक, लेकिन जाना हो तो मैं इसको इस तरह से ईजिली शोल्डर पर कैरी करके जा सकूँ लाइक दिस। तो ये बहुत चीप सा एंड अच्छा सा लगा था, मुझे अभी प्राइस याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि बहुत चीप था तो मैंने इसको ऐसे ही उठा लिया था। एंड द सेम डे आई गॉट दिस बैग जो कि मेरा फेवरेट है, मैं हर बैग पे फेवरेट बोलने वाली हूँ क्योंकि मुझे बैग्स बहुत पसंद है, तो ये वाला बैग भी मैंने वहीं बॉर्जन से लिया था, इसका ये फ्लावर बहुत प्यारा है, फिर इट ओपन्स लाइक दिस, ऐसे ही ओपन होता है और इसके अंदर दो तीन पार्टीशंस हैं, मतलब अलग अलग से कहीं रखनी हो चीज़ें, लाइक आपको कहीं बाहर पास में जाने के बजाय कहीं थोड़ा सा दूर जाना हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी हो लाइक अ लोशन और अ परफ्यूम या कुछ भी, तो आप ऐड कर सकते हो। ये ऐसे है, इसकी बैक पे भी जिप है एंड ये भी वर्जन का है, मैंने यूज़ किया है इसको और इसकी जिप पे अभी तक ये लगा नहीं उधर। ओके, देन वी हैव दिस बैग, ये भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत क्यूट सा है, आई लव स्मॉल बैग्स, मुझे बहुत बड़े बड़े बैग्स नहीं पसंद हैं, तो मेरी आपको मोस्टली कलेक्शन इतने साइज़ में ही नज़र आएगी, लाइक इसी के अराउंड थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा, एंड इस तरह के कैरी करने वाले सॉलिड सॉलिड बैग्स होते हैं मोस्टली, जो मैं हाथ में कैरी कर सकूँ या फिर यूँ हाथ में डाल सकूँ, तो ये वाला तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मोस्टली मेरे ऐसे होते हैं जो यूँ भी हाथ में डल जाते हैं लाइक दिस एंड ईजिली यूँ भी कैरी हो जाते हैं। ये ओपन होता है ऐसे, देन इसके अंदर एक ही वो है और अंदर स्मॉल जिप्स तो सब में होती हैं, एंड इट हैज़ अ स्ट्रैप, स्ट्रैप मोस्टली सबके साथ, उस ब्लैक बैग के साथ भी था
और सबके साथ ही होता है ताकि आप शोल्डर पे कैरी कर सको। और ये इट लुक्स लाइक दिस एंड ये मैंने लिया था लाइमलाइट से। नेक्स्ट इज दिस वन, ये भी मुझे बहुत पसंद है, इतना प्यारा कलर है इसका, इट्स वेरी क्यूट। इसका स्ट्रैप आधा निकला हुआ बाहर आधा अंदर है। ये इट ओपन्स लाइक दिस, मतलब इसको यूं करते हैं देन ये वाला पार्ट खुलता है ऐसे है। इसकी चेन है क्योंकि आधी अंदर फंसी हुई थी। इस पर टैग लगा हुआ है, हाँ मैंने यूज़ ही नहीं किया इसको अभी तक। अच्छा खैर ये ओरिएंट का है एंड इस पे इसकी प्राइस कटी हुई है बिकॉज माई फ्रेंड्स गिफ्टेड इट टू मी ऑन माई एंगेजमेंट। तो ये ऐसे ही है, मतलब इस तरह का है। और इसको बंद कर देते हैं अभी इस तरह ऐसे। और इसको हम यूँ कैरी कर सकते हैं, मतलब इसके साथ चेन भी है, स्ट्रैप वाली चेन है। सो आई लव इट, इसको हम यूँ कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस बैग, ये मरून कलर का बैग है एंड इस पर लिखा है पेड्रो, मतलब ये पेड्रो का है। और इट ओपन्स लाइक दिस, इसके अंदर भी एक पार्टीशन है साथ में, एक जिप वाले के अलावा एक सेपरेट वो जो होता है ना पार्टीशन नहीं, एक वो स्पेस होती है कुछ रखने के लिए वो है। एंड लेट्स क्लोज इट एंड इसके साथ ये स्ट्रैप है, मतलब ये स्ट्रैप वाला शोल्डर बैग है। इट कैन बी कैरीड लाइक दिस उसी तरह से। एंड ये वाला बैग मुझे खाला ने गिफ्ट किया था, माई खाला गिफ्टेड इट टू मी। तो इसकी प्राइस का मुझे आइडिया नहीं है बट आपको पता होगा पेड्रो के बैग्स वगैरह आप सर्च कर सकते हैं और हो सकता है ये आर्टिकल अवेलेबल भी हो तो यू कैन सर्च फॉर इट। देन दिस वन, ये वाले बैग्स तो सबको पता होंगे, ये बहुत कॉमन है आजकल, ये बहुत 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 कॉमन है। एंड ये वाला बैग भी मेरी बहन ने लिया था और उसने कहाँ से लिया था इसको पता नहीं कहाँ से लिया था एंड आई हैव नो आइडिया कि ये कहाँ का है, बट मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे लोगों को इसको मेंशन करते देखा है कि ये शी एन या शाइन वो उसको जो भी कहते हैं स्पेलिंग उसकी शी एंड एन वाली होती है तो ये उसका है, मतलब काफ़ी लोगों ने मेंशन किया तो मैंने भी अपने इंस्टा पर लगा दिया था कि ये शायद उसी का ही है बट आई एम नॉट श्योर। बट ये भी एक बहुत प्यारा सा है, बहुत कॉमन भी हो चुका है, लोगों ने रोल दिया है इसको लेके लेकिन आई स्टिल लाइक इट। और इसके अंदर एक वो भी है लाइक बिग स्ट्रैप जिसे आप शोल्डर पे भी कैरी कर सकते हो, वैसे इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। हो सकता है मैं कुछ बैग्स की प्राइसेस मेंशन ना करूँ क्योंकि मुझे या तो याद नहीं है या तो मेरी बहन ने लिए हुए हैं या तो मुझे गिफ्ट मिला हुआ है तो मुझे कुछ चीज़ों के नहीं भी पता प्राइसेस, बट यू कैन सी द कलेक्शन। और मैं साथ साथ ये ज़रूर मेंशन कर दूँगी कि वो कहाँ से लिया है जितना मुझे याद आएगा जिनका, तो यू कैन सर्च फॉर देम। देन दिस बैग एंड आई लव दिस, एक तो वाइट ऊपर से बहुत प्यारा, ये ओपन होता है कैसे, माय बैग्स आर यूजुअली ट्रिकी, इस तरह से ओपन होता है। देन इट हैज़ वन नहीं टू पार्टीशंस एंड इट हैज़ दिस जो कि यहाँ बाहर लगा हुआ भी था, मैंने उसको निकाल के अंदर कर दिया था, मतलब इस तरह से ये लगा हुआ था इस पर मैंने उसको निकाल दिया था। ये वाला बैग मैंने लिया था तारिक रोड से और तारिक रोड पे शॉप का नाम मुझे याद नहीं है, डॉलमेन में कहीं से लिया था मैंने इसको, डॉलमेन या फिर पता नहीं तारिक रोड से मैंने इसको लिया था लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि इसकी वो क्या थी लाइक शॉप का नाम बिल्कुल याद नहीं है। एंड बिकॉज ये किसी ब्रांड का नहीं है, मतलब एक शॉप से लिया था मैंने मॉल की किसी शॉप से, तो फिर इसकी प्राइस मुझे याद है कितनी थी 2500 आई गेस या फिर 2000 एंड इट वॉज वेरी चीप फॉर द लुक, मतलब ये बहुत प्यारा है, बहुत बहुत प्यारा है। एंड एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम आई गॉट दिस बैग उसी सेम शॉप से, इस पर कुछ लिखा भी है पता नहीं ये इम्पोर्ट होके आए हुए हैं बैग्स, क्योंकि किसी आप शॉप से लेते हो ना जो ब्रांडेड नहीं होती हैं तो वो इसी तरह होती हैं, इस पर चाइनीज लिखी है सो आई डोंट नो कि कहाँ का है ये, बट मैंने उसी सेम शॉप से लिया था और इसकी प्राइस रेंज भी वही थी कोई अराउंड 2500 या 2000। खाना लग चुका है आ जाओ। ओके नेक्स्ट इज दिस बैग, ये बैग स्टाइलो का है लिखा हुआ है सामने और ये एक थोड़ा बड़ा बैग है बिकॉज मैंने इसको इसलिए ले लिया था कि बंदा कहीं ट्रैवल करता है तो थोड़ी ज़्यादा चीज़ें रखनी पड़ती हैं तो एक दो बड़े बैग्स होने चाहिए। इट हैज़ थ्री पार्टीशंस और इट लुक्स लाइक दिस। एंड लास्टली आई हैव दिस बैग जो कि सबसे बड़ा है और इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, ये मैंने इसी पर्पज के लिए लिया था कि कभी मुझे कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए तो बंदे को ज़्यादा चीज़ें रखने के लिए कुछ होना चाहिए। एंड लास्ट डेज में मुझे याद है कि मैं भावलपुर आ चुकी थी शादी से कोई एक दो दिन पहले, मामा लोग गए थे बाजार तो मैंने उनको कहा था कि मेरे लिए एक बड़े साइज़ का बैग ले आइएगा तो दे गॉट दिस बैग, वो इम्तियाज़ गए हुए थे उनको एक बड़े साइज़ का बैग नजर आया तो उन्होंने वहीं से ये ले लिया
एंड आई हैवंट यूज्ड इट येट. सो दैट्स इट, बैग्स एंड क्लचेस भी हो गए हैं एंड आई होप कि मैं इन वीडियोज़ को जल्दी पोस्ट कर दूँ. एंड परफ्यूम्स एंड मेकअप वगैरह वो भी जल्दी आ जाएगा इंशाल्लाह, बिकॉज मैं कल जा रही हूँ भावलपुर, तो आई ट्राई कि मैं इनको जल्दी से पोस्ट कर दूँ एंड देन वो भी जल्दी से बना के पोस्ट कर दूँ वापस आके. एंड यू गाइस कैन सजेस्ट मोर वीडियोज़, ये इन चीज़ों के अलावा यू कैन सजेस्ट मी वीडियोज़ विद शेरी. अगर कोई चैलेंजेस चाहिए या कुछ भी आपको चाहिए तो विल ट्राई टू डू दोज वीडियोज़ एज वेल. And till then, take care of yourself. Allah Hafiz.